वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने एक प्रॉपर सिंड्रेला ड्रेस पहना है एंड दिस ड्रेस इज सो डैम प्रीटी। एंड आज मैं जा रही थी फंक्शन में तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ये मेकअप वीडियो बनाऊं, एज मैं अपने चैनल पे बहुत कम मेकअप वीडियो बनाती हूँ बट आप सब बोलते हो कि मेकअप वीडियोस बनाया करो। सो यस, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो मैं कैसे रेडी होती हूँ विद वेरी यू नो फ्यू प्रोडक्ट्स। और मेरे को ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यू नो प्रोफेशनल मेकअप वीडियो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेकअप वीडियो बिकॉज मुझे नॉर्मल मेकअप आता है, जितना नॉलेज है उतना ही आता है। सो यस, इट्स गोना बी अ मेकअप चिटचैट वीडियो। सो फर्स्ट टाइम गोना स्टार्ट विद प्राइमर, एज मैंने अपना स्किन केयर रूटीन पहले ही कर लिया है, फेस वॉश एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड मुझे यू नो बहुत आज एक्सपेक्टेशन है अपने लुक को लेके एंड अपने फोटोज अच्छी क्लिक करवानी है एंड ऑल ऑफ दैट। लेट्स जस्ट सी कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ। मैंने सोचा मेकअप करते करते एक वीडियो भी बना ली जाए एंड आई एम श्योर कि जो एंड का रिजल्ट होगा यू ऑल गोना लव इट। सो प्राइमर को थोड़ा देर यू नो 2-3 मिनट सेट होने देना है, उसके बाद मैं अपना फेवरेट फाउंडेशन लगा रही हूँ विच इज नॉट फॉर यू नो ज्यादा मैरिज फंक्शन के लिए नहीं है, इट्स वेरी लाइट एंड यू नो डेली वेयर फाउंडेशन। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ही ड्रेस क्यों पहन लिया। मैंने पहले इसलिए पहन लिया बिकॉज ये इतना फ्लारी सा ऐसा ड्रेस है, एक बार मेकअप होने के बाद ये नहीं आ पाता एंड देन मैं इसको आप वेट भी कर सकते हो बट अभी मैं इसको अपने सेटिंग स्प्रे से कर रही हूं। एंड यस गाइस, अगर आपको ये ड्रेस रेंट पे चाहिए हो तो मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर मतलब लिंक दे दूंगी, आप रेंट आउट कर सकते हो ये ड्रेस। एंड मैं पूरा लुक, अभी तो मैं बैठी हुई हूँ आप लोगों को दिख नहीं रहा बट यस मैं पूरा आपको लुक दिखाऊंगी इस ड्रेस का एंड यू ऑल गोना लव इट। आई मीन अगर आपकी सिस्टर की वेडिंग है, ब्रदर की है या आप इवन गेस्ट हो मेरी तरह जैसे मैं जा रही हूँ आज, या फिर आपका खुद का भी फंक्शन है, हर उसके लिए चलेगा। अब मैं एक गेस्ट हूँ मतलब मेरी बहन का फंक्शन नहीं है, इतना क्लोज रिलेटिव नहीं है, सो मैं बहुत लाइट मेकअप रखने वाली हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस जो है वो बहुत हैवी है, सो मैं लाइट मेकअप रखूंगी। अगर आप खुद ब्राइड हो तो आप इसके ऊपर और डार्क मेकअप कर सकते हो एंड बन बना सकते हो तो आपका उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये ड्रेस के ऊपर इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कैसा मेकअप रख रहे हो। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सिंपल रहना पसंद है, मुझे ऐसा है कि अगर मैं कहीं भी किसी फंक्शन को अटेंड कर रही हूं तो मैं इतनी सिंपल बन के ना जाऊं। सो यस, सो एज माय बेस इज डन, आई एम वेरी वेरी बिगनर एट मेकअप। सो जो मैं आपको मेकअप दिखा रही हूँ ये आप लोग इजिली कर सकते हो बिकॉज मैं भी बिगनर, तो आप मुझे आराम से देख के कर सकते हो। सो बेस के बाद I am gonna use my concealer which is again from Color Bar. I don't know why but I am Color Bar fan and affordable भी है and अच्छी range भी है, आपको glowy skin भी देती है। Please नीचे comment में मत लिखना कि आपका ये वाला step गलत था, वो वाला step गलत था। I don't know any step of makeup. मैं बस वैसे करती हूँ जितना मुझे समझ में आता है and जितना मुझे सही लगता है। So yes, आप सब देखते जाओ कि ये बिना you know प्रोफेशनल मेकअप भी एंड में जाके कैसा लगेगा। आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी नेचुरल, आप देख ही रहे हो मैंने फाउंडेशन कितना कम लगाया है बिकॉज मेरी ड्रेस ऑलरेडी हैवी है, मुझे ज्यादा चप चप अप नहीं करना है। सो यस, देन आई एम गोना सेट माई, एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव कॉम्पैक्ट सो आई एम गोना यूज दिस शुगर लूज पाउडर जो मुझे अपनी ड्रेस से बहुत दूर रखना है एंड अपने पूरे फेस पे। करना इज सो हार्ड बट अगर मैं पहले ही मेकअप मतलब पहले ही ड्रेस नहीं पहनती, मेकअप कर लेती तो फिर ये ड्रेस पहनना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता एज देयर इज नो वन टू हेल्प मी। सो यस, सो एज मेरा ये सब डन हो गया है लेट्स कम टू यू नो कॉन्ट्योरिंग जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से करनी नहीं आती, एवरी टाइम आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट। सो अभी मैंने शुगर का लिया है, दिस वन दिस इज फ्रॉम शुगर, सो अभी मैंने ये लिया। इट्स वेरी क्विक मेकअप वीडियो, यू आई गेस यू ऑल विल लव इट। सो इसको मैं ऐसे करने वाली हूं एंड आज हमने बहुत परफॉर्मेंस भी है, हमारा डांस परफॉर्मेंस, सो उसका वीडियो भी मैं डालूंगी। अभी तो मैं बहुत चंपू लग रही हूं बट जस्ट वेट, एज यूजुअल ढंग से कॉन्ट्योरिंग मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुई है। Let's move on to the next step.
Okay, so I have this my favorite Huda Beauty nude palette, जिसका ब्रश अभी मेरे पास नहीं है. सो एज आई सेड कि मैं जो मेकअप कर रही हूँ विद वेरी लेस प्रोडक्ट, जो सबका हाल होता है. आई हैव द ब्रश, सो लेट्स जस्ट डू इट. सो फर्स्ट मैं कोई भी लाइट शेड लगाने वाली हूँ, आप सबको पता है ये न्यूड पैलेट एंड दिस इज ओरिजिनल वन. चलो इसी के मिरर से देख लेते हैं. सो फर्स्ट मैं बहुत लाइट शेड यूज करने वाली हूँ नीचे बेस देने के लिए विद माई नायका नायका ब्लेंडर ब्रश. नीचे बेस बनाना बहुत जरूरी है एंड कॉर्नर में मैं थोड़ा सा डार्क देने वाली हूँ विद माई ड्रेस. आई थिंक दिस कलर विल गो. सो यस, आउटर कॉर्नर पे ऑलवेज गिव डार्क शेड. प्रोफेशनल उससे नहीं बोल रही, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. एंड गाइज, अगर आप हुडा ब्यूटी के ओरिजिनल नहीं लोगे ना, लोकल वाले लोगे, तो वो वेडिंग पे करना सही नहीं है बिकॉज वो थोड़ी देर में ब्लैक पड़ जाएगा. और मेकअप ऐसा होना चाहिए थोड़ी देर में ग्लो करने लगे. कम टू आईब्रोज, लेट्स सी. सो अभी बिकॉज आई एम इन हरी, सो मेरे पास कुछ भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है. मैं जो भी आपको करके दिखा रही हूँ बहुत लेस प्रोडक्ट्स के साथ करके दिखा रही हूँ. मेरे पास सारा सामान है बट सब इधर उधर है एंड वी आर ऑलरेडी लेट. सो जब आप जल्दी में हो आपको कैसे फटाफट जो मेकअप करना है सो अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे. बस ब्राउज को थोड़ा ये करेंगे और आगे से हल्की सी शेप देंगे जो मैं नायका की पेंसिल यूज कर रही हूँ. ओके, नाउ लेट्स जस्ट पुट आई लाइनर विच इज वेयर इट्स हियर. इट्स फ्रॉम लैक्मे, 120 रुपीज का. इट्स वेरी यू नो अफोर्डेबल एंड वेरी नाइस. Now, let me concentrate. Eyeliner is a tough job. Mascara ke liye, you can always trust Maybelline. They're too good. Ye main white pencil jo hai, note se. So, it's done. Now the last part is lipstick. मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक. थोड़ा सा टचअप करती हूँ क्योंकि ढंग से देखा नहीं है. सॉरी. आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.